ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। हमने इससे पहले वीडियो में फंक्शन ओवरलोडिंग समझा था। फंक्शन हो चाहे ऑपरेटर हो, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को ओवरलोड करने का मतलब है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है जो काम करने की, उससे ज़्यादा उससे काम करवाना, उससे ज़्यादा काम लेना उससे। तो फंक्शन और ऑपरेटर से हम कैसे ज़्यादा काम ले सकते हैं? देखिए, कोई भी फंक्शन होता है या ऑपरेटर होता है, वो कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया होता है। अब हम उस काम के अलावा भी कोई दूसरा काम है वो डिफाइन कर देते हैं उसके लिए, तो वो होती है ओवरलोडिंग। जैसे एक ट्रक है, वो 10 टन का माल ढो सकता है, लेकिन हमने अगर 10 की जगह उसमें 15 टन माल लोड कर दिया और उसको हम ढो रहे हैं, तो वो क्या हो गया? ओवरलोड कर दिया। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है उसका ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उससे काम निकलवाना। तो देखते हैं, अब फंक्शन ओवरलोडिंग हमने देखा कि कैसे होता है। एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बनाते हैं और उनसे हम अलग अलग काम करवाते हैं। जैसे नंबर्स को जोड़ने वाला हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें फंक्शन तो वही है, जोड़ने वाला नाम एक ही है उसका, लेकिन उसमें कोई फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स को जोड़ रहा है, कोई तीन को जोड़ रहा है, और उसमें डेटा टाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं, सीक्वेंस भी अलग अलग हो सकती है। तो अब ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है? नमस्कार, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर, और हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को आसान शब्दों में इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको देखना है, छोटा सा वीडियो है। तो यही चीज़ लिखी हुई है इसमें हिंदी और इंग्लिश में जो मैंने आपको बताया है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से अपने कंफर्ट के हिसाब से हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको सही समझ में आए उसमें आप नोट कर सकते हैं। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम क्या करते हैं कि सी प्लस प्लस में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको जब लैंग्वेज बनाई गई उस टाइम पर डिफाइन किया गया उनका काम। जैसे प्लस है वो जोड़ेगा दो वेरिएबल्स को, माइनस है वो सब्ट्रैक्ट करेगा, क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार स्टार होगा यहाँ पर स्टार मल्टीप्लाई करने के लिए, स्लैश है वो डिवाइड करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसको काम में लेते हैं। देखिए, एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे। अब प्लस है वो हम काम में ले रहे हैं दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए, तो इसको हम यहाँ पर इस एग्जांपल में ओवरलोड करने जा रहे हैं। हम प्लस को यूज करेंगे दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए। तो देखते हैं, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये हमने आयो स्ट्रीम फाइल इंक्लूड कर ली है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पर हमने क्लास बनाई है रेक्टेंगल और उसमें पब्लिक करके हमने फंक्शन बनाए हैं। तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का, तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और फिर हम दूसरा फंक्शन लिया है, वो इसमें लेंथ को असाइन करने के लिए लिया है, और फिर एक फंक्शन है उसमें ब्रीथ चौड़ाई को असाइन करने के लिए है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया है, उसमें क्या कर रहे हैं, हम प्लस जो ऑपरेटर है हमारा उसको ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लस ऑपरेटर नॉर्मली क्या होता है, दो वेरिएबल्स को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन ओवरलोड करने का मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ेंगे। देखिए, इसमें जो रिटर्न टाइप है, जब ऑब्जेक्ट दो जोड़ेंगे तो रिटर्न क्या करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट, तो रेक्टेंगल ये रिटर्न करेगा। अब देखिए, रिटर्न टाइप रेक्टेंगल क्यों हो गया, जब दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को जोड़ते हैं और हमें इंटीजर रिटर्न कराना, तो इंट लिखते हैं, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हम जोड़ रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या था, रेक्टेंगल। आपको क्लास का डेफिनेशन याद होगा, क्लास को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो क्लास यहाँ पर क्या है, एक टाइप हो गया डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है क्लास। ठीक है, वेरिएबल होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स। तो ये रेक्टेंगल है वो इसका रिटर्न टाइप हो गया। फिर ऑपरेटर प्लस, ये हमारा सिंटेक्स होता ही है ओवरलोड करने के लिए, ऑपरेटर ऊपरी जो ऑपरेटर को ओवरलोड करना है प्लस। फिर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के अंदर जैसे जो भी अपन
पैरामीटर्स पास करते हैं। तो पैरामीटर यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। फिर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल, इसमें ऑब्जेक्ट बनाया। तो रेक्टेंगल डॉट लेंथ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है, वो बी बनाया है हमने, बी डॉट लेंथ। और दिस लेंथ है वो जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका। तो इस तरह से हमने क्या किया, नया जो ऑब्जेक्ट आएगा उसमें जो लंबाई होगी वो क्या करेगा, जो पुराने वाले दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी लंबाई जोड़ के आएगी, और चौड़ाई है वो दोनों पुराने वाले ऑब्जेक्ट की चौड़ाई जुड़ के आएगी उसमें। अब हमने इसकी लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई है वो डबल टाइप लिया डेटा टाइप। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में हमने इसके रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट्स बनाए, रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू। फिर रेक्टेंगल थ्री भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और यहाँ पर एरिया जीरो ले लिया है। अब रेक्टेंगल वन है उसकी लंबाई चौड़ाई असाइन कर देंगे 6 और 7, और रेक्टेंगल टू की भी कर देंगे 12 और 13। फिर यहाँ पर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल वन का, फिर रेक्टेंगल टू का एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर रेक्टेंगल थ्री में क्या करेंगे, रेक्टेंगल वन और रेक्टेंगल टू है उनको जोड़ेंगे दोनों ऑब्जेक्ट्स को। यहाँ पर हमारा जो ओवरलोड कर रहे थे वो फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस से हम अभी तक क्या कर रहे थे, दो वेरिएबल्स को जोड़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्लस से हम दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं। तो वो जो हमने कोड लिखा है वो यहाँ पर वो फंक्शन कॉल होगा और दोनों ऑब्जेक्ट्स को जोड़ेगा। ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने का मतलब इनकी जो एलिमेंट्स हैं अंदर उनको जोड़ेगा, लंबाई दोनों की जुड़ जाएगी, चौड़ाई जुड़ जाएगी, और फिर रेक्टेंगल थ्री का एरिया निकाल लेंगे। अब आउटपुट देखिए, 42 आया है, 42 आया है, तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 थी तो लंबाई इंटू चौड़ाई हो गई, फिर 12 और 13 तो ये 156 हो गया। फिर रेक्टेंगल थ्री का एरिया कितना आएगा, तो थ्री का है इनकी दोनों की लंबाई आपस में जोड़ लो, चौड़ाई जोड़ लो, तो लंबाई देख लो और चौड़ाई देख लो, तो 6 और 12 जुड़ गया 18 हो गया, और 13 और 7 20, तो 18 × 20 कितना हो गया, 360, तो ये 360 इसका आ गया। तो इस तरह से हम प्लस जो हमारा ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर सकते हैं, इसी की तरह हम दूसरे जो ऑपरेटर हैं उनको भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं उनको ओवरलोड कर सकते हैं, और कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब ऐसे हैं जिनको हम ओवरलोड कर सकते हैं। और फिर नीचे कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, ये ऐसे कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो ये थे हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।